पांच साल में एक बार अवसर आता है, वो अवसर आप लोगों के लिए आया हुआ है, बहुजन समाज के लिए आया हुआ है। बहुजन समाज इस समाज में 85% है। यदि 85% बहुजन समाज अपने संविधान की रक्षा कर लेगा तो मैं समझता हूँ आप अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेंगे, आप अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और आप वो सब प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं या जो बाबा साहब चाहते थे वो सब आप प्राप्त कर देंगे। इसी के लिए मैं आज आपको, क्योंकि संविधान एक बहुत विस्तृत चीज है, 395 जो ओरिजिनल संविधान है, आर्टिकल्स है, उसके 22 भाग है, 8 उसमें शेड्यूल्ड है, वो इतना विस्तृत है कि मैं उसका तो आपको वर्णन करने लगू ना आपके पास समय होगा और मुझे इतना समय देना पड़ेगा कि आप सुन भी नहीं पाएंगे। लेकिन संविधान चाहता क्या है, संविधान क्या चाहता है, संविधान की आत्मा क्या चाहती है, बाबा साहब की आत्मा क्या चाहती है, इस देश से वो क्या चाहती है, इस नागरिकों से क्या चाहती है, क्या अपेक्षा करती है, वो संविधान की आत्मा है जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं या उद्देशिका कहते हैं। उस आत्मा के द्वारा आप जानना चाहेंगे कि संविधान है क्या और उसका एक मौका मिला है आपको, आप उसे गवाए ना, आप उसे किसी के बहकाव में ना आए और उस संविधान की रक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुजन समाज या BSP को मजबूत कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यही आपके संविधान को बचाने वाली पार्टी है। इसी पार्टी से आपका संविधान बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे और जब आपका संविधान बच जाएगा, आपके अधिकार बच जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है वो सुरक्षित होंगी, उन्हें किसी तरह का भय नहीं होगा। जैसे आज समाज में चारों तरफ भय व्याप्त कर दिया गया, वो कैसे कर दिया गया, जातिवाद का कर दिया गया, धर्मवाद का कर दिया गया, संप्रदायवाद का कर दिया गया, और ज्यादा कहूँ तो संविधान को फूंकने का, जलाने का, बदलने का एक षड्यंत्र देश के अंदर चला दिया गया। तो आपको मैं संविधान की वो आत्मा बताना चाहता हूँ। आत्मा क्या कहती है? हम भारत के लोग, हम ध्यान से सुने और मैं फिर ज्यादा समय न लेके छोटे में आपको बता दूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सर संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे बाबा साहब की आत्मा संविधान के द्वारा इस देश के नागरिकों से चाहती है। लेकिन अफसोस है कि हम लोग इस बात को कभी ध्यान ही नहीं देते, हम इस बात का कभी ध्यान ही नहीं करते। यही कारण है कि हम अपने अधिकारों से भी वंचित हैं और हम आपस में बटे हुए भी हैं। हम अलग अलग जातियों में एक सूत्र जाति 85% हो गए, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारी शक्ति कहाँ है। हमारी शक्ति संविधान के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हमें जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है, सब लोग अपने घरों में संविधान लाएं, उसे पढ़ें। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों से पूछे संविधान में लिखा क्या है। मैं कॉलेजों में जाता हूँ, विभिन्न कास्टों के कॉलेजों में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने इतनी सुंदर बातें, इतनी न्यायप्रिय बातें लिखी हुई हैं, हमें नहीं पता था। जब तक आप अपने संविधान को नहीं पढ़ेंगे, आप जागरूक नहीं हो सकेंगे, आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान सकेंगे। अब मैं शॉर्ट में 10 मिनट मिल जाएगा, शॉर्ट कर दूंगा मैं आपको। उनका आपने ध्यान से सुने हुए सब उनका अर्थ बताता हूँ। अर्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीएम्बल तो मैंने रख ली, आपको सुना दी, लेकिन आपको अर्थ का पता नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। हमारी जो आत्मा है संविधान का भी अर्थ बता दूं संक्षेप में।
विधान मीन्स होता सब माने बराबर, विधान मीन्स होता कानून जो सब पे बराबर लागू हो। क्या देश में ऐसा हो रहा? नहीं हो रहा। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है द कॉन्स्टिट्यूशन रूल, रूल का अर्थ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, जो चीजें समथिंग मतलब जो चीजें वो कर दी जाती है, इकट्ठी कर दी जाती है या सिस्टम से लगाई जाती है, वो होता है संविधान। इसमें क्या किया, चीजें क्या है, कानून एक सिस्टम से कर दिए गए। आपके कानून क्या है? सबसे पहले आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट ऐसा है कि जो मूल अधिकार कहता है, बाबा साहब जैसा महान विद्वान जिसने संसार का सबसे विस्तृत और न्यायप्रिय संविधान बंधुता पे आधारित है लिखा, लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए आप बरगड़ाए में या दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। इस संविधान में 395 जैसे धाराएं, 1,36,385 वर्ड्स है, 1,36,385 वर्ड्स है, ध्यान से सुन ले, 1,391 पृष्ठ है। ऐसा विस्तृत संविधान कहीं भी नहीं है और न्यायप्रिय संविधान इसलिए सुंदर और विस्तृत और न्यायप्रिय कहलाता है। तो अमेरिका का संविधान 4,400 वर्ड का है, लेकिन दुर्भाग्य है वहाँ पर अलग अलग स्टेट का अलग अलग संविधान है, या 29 स्टेट है, 7 केंद्रीय शासित राज्य है, संविधान एक है। इसलिए ये न्यायप्रिय संविधान है, संसार का सबसे छोटा संविधान जोर्डन का है, 2,200 शब्द है। आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका किसी भी क्षेत्र पर, आपके जीवन का कोई भी हिस्सा संविधान में आपको क्या कैसे उन्नति करनी है, आपके क्या राइट हैं, और सरकारों को क्या करना है पता नहीं होगा तो आप तो वोट दे देंगे, छुट्टी हो जाएगी। 5 साल में मौका मिला है, फिर आपको रिपीट करा रहा हूँ, इससे घबराना मत। इस संविधान की आप शपथ लेके जाना, इसकी प्रतिज्ञा करके जाना कि जो हमारा संविधान बचाएगा, संविधान बचाने का मतलब है आपके जो अधिकार बचाएगा, आपको जो जीवन देगा वो संविधान है, आप उसको ही वोट देंगे। फिर मेरा निवेदन है आप पद पर बैठे। अब मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है। सरकार को पूरी शक्तियाँ प्राप्त है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे बाहर के अंदर हो, लेकिन क्या संपूर्ण शक्ति आने के बाद इस देश के अंदर जो छोटी जातियां हैं या जिसे छोटा समाज कहते हैं या जो छोटे व्यक्ति, क्या उन्हें न्याय मिला? नहीं मिला। यही संविधान कहता कि आप में संपूर्ण शक्ति दिया मैंने, फिर ऐसा क्यों है कि 10 लोगों के पास इस देश की 50% पूंजी है, क्या संविधान के अनुसार चल रही है सरकारें? नहीं चल रही है। यदि नहीं चल रही है तो लोग फाड़ फेंको और जो चलाएं उनको आप वोट दीजिए। उसके बाद कहता समाजवादी, बड़ा छोटा सा शब्द है, समाजवादी का अर्थ समझ ले। समाजवादी का अर्थ होता है कि जो हमारी धन और पूंजी जमीन इसका लगभग बंटवारे की कल्पना की गई है। आप सोचिए उस महान व्यक्ति ने क्या कल्पना की थी, क्या ऐसा है? नहीं है। 10 लोगों के पास 50% पूंजी, हजारों हजारों एकड़ एक एक व्यक्ति के पास जमीनें हैं, और हमारे करोड़ों करोड़ों लोग फुटपाथों पे सोते हैं, छत भी नसीब नहीं है। नहीं चला संविधान के अनुसार। उसके बाद कहता पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है व्यक्ति जिस कोई व्यक्ति कोई पंथ बना दे। गुरु नानक जी ने सिख धर्म का पंथ बना दिया, भगवान बुद्ध ने बुद्ध का पंथ बना दिया, कुछ व्यक्ति उसके पीछे चल पड़े। इसी तरह से हिंदुओं ने अपना पंथ बना दिया, कुछ व्यक्ति उसके पीछे चल पड़े, तो क्या हो गया? पंथ हो गया। पंथ भी रास्ते पर चलने वाले, जो हमें रास्ता दिखाया हम उसके पीछे चल पड़े, तो हमारा क्या हुआ? और पंथ निरपेक्ष, हर व्यक्ति अपने पंथ का पालन कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ चंद लोग तो पंथ का पालन कर सकते हैं, लेकिन 85% लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि आजादी है अपने देश में अपने पंथ पे चलने की? नहीं है। आपको घृणा की दृष्टि से देखा जा सकता, तो ये संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए आपको ये संविधान जानना जरूरी है और उसी तरह आपको वोट करना जरूरी है। उसके बाद आता लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जब कोई एक पद्धति होती है और जब ये कानून के अनुसार हो जाती है तो लोकतंत्रात्मक पद्धति कहलाती है। आप लोग MLA MP चुनेंगे, ये क्या होंगे? लोकतंत्रात्मक पद्धति के अनुसार चुनेंगे, क्योंकि हमारा एक संविधान के अंतर्गत चुनाव आयुक्त है, स्वतंत्र है, जो चुनाव कराया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको भी आज कैप्चर कर लिया गया है, तो आप सब लोग जानते उसे भी कैप्चर कर लिया, लेकिन संविधान कहता है वो निरपेक्ष होना चाहिए, वो किसी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। अब उसको भी इन्होंने कैप्चर कर दिया। गणराज्य, आप लोग जो वोट देते हैं
आप गण हैं और विधायक के अनुसार जो कानून चलता है वो पूरा का पूरा तर्क लोकतांत्रात्मक गण राज्य कहलाता है। उसके बाद आता है सामाजिक। अब सामाजिक, अभी तो मैंने बताया आपको समाजवादी, अब सामाजिक सब, लेकिन बाबा साहब छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, संसार में दोबारा कभी नहीं पैदा होंगे, मेरा तो ऐसा मानना है। बाकी आप लोग क्या मानते हैं आपको पढ़ के मानना पड़ेगा कि वास्तव में सही कह रहा हूँ। सामाजिक में समानता है, सब समान होने चाहिए। बाबा साहब की दृष्टि में, कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि में जो लिख के गए, सब लोग समान होने चाहिए, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है देश के अंदर? 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ। आज भी ऊंच नीच, जात वाद, धर्मवाद, सांप्रदायवाद सारा भरा पड़ा है, नहीं है। आर्थिक संपन्नता की चिंता होने, गरीब थे लोग, पैसा नहीं मिलता था, लोगों को मजदूरी नहीं मिलती थी। आर्थिक संपन्नता चाहते हैं कि सब लोगों को रोजगार मिले, सब लोगों को अगर रोजगार ना मिले तो सब लोग अपने काम धंधे करें। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज तो नौकरियां ही चली जा रही हैं, नौकरी ही नहीं मिल रही है। और रिजर्वेशन की बात है, लोग सोचते हैं कि एससीओ को रिजर्वेशन मिला, एसटीओ को मिला, बैकवर्ड भी आंख मूंदे खड़े हैं। बैकवर्डों की अगर देखें तो उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो वो आर्थिक संपन्नता इस तरह से जाते थे। राजनीतिक न्याय आप लोग अपने एमएलए चुनते हैं, दुख की बात है मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मंत्री जी बैठे बुलाए हुए हैं, मैं मंत्री जी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। हमारे लोग, हम जो चुनते हैं, क्या हमारे प्रति वो हमारी समस्याएं उठाते हैं? नहीं उठाते। इसलिए हमें देखभाल कर उन लोगों को वोट देना चाहिए, उन्हीं को चुनना चाहिए जो हमारे हित की या हमें राजनीतिक न्याय दे सके। राजनीतिक न्याय कौन देगा? हमारे प्रतिनिधि तो देंगे, जो वो जाएंगे विधानसभा पार्लियामेंट में हमारी बातें रखेंगे तभी तो हमें न्याय मिलेगा, नहीं मिल पा रहा। ये सब बातें आपको देखनी होगी। विचार, आप विचार अच्छे रखिए, एक दूसरे से प्रेम भाव बंधुता के विचार रखिए। बाबा साहब कहते हैं आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता बंधुता और समानताओं का सिद्धांत पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, समानता का सिद्धांत है, बंधुता का सिद्धांत है। और यदि आप पढ़ेंगे कहीं भी उसमें जाति शब्द नहीं मिलेगा, और इस हिंदुस्तान में सब जगह जाति धर्मवाद फैला रखा है। लेकिन आप सब पढ़िए, मेरी आप सबसे फिर गुजारिश है इसे पढ़िए, पता चलेगा बाबा साहब लिख कर क्या गए। उसके बाद आता है विश्वास। हमें अपने चीज पे विश्वास होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा विश्वास ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे क्या? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास होना चाहिए, हमें अपने उस समाज में विश्वास होना चाहिए जो हमारा समाज है, हमें उन लोगों में विश्वास होना चाहिए जिनको हम चाहते हैं। यदि हम किसी चीज में विश्वास नहीं रखते हैं तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारा उद्देश्य है। अब धर्म आता, धर्म को धारण करने की चीज है। हम इस देश के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, यहाँ एक बात समझा दूं आपको, दुर्भाग्यवश यहाँ एक पर्टिकुलर एक धर्म को कसौटी पे परखा जाता है, एक धर्म को, जबकि राज्य का कोई धर्म नहीं है। बाबा साहब को सुनिए, सोचिए, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सब धर्म समान है, वो सब धर्मों का पालन करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ एक धर्म की कसौटी पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक धर्म की कसौटी पर तोला जा रहा, ये दुर्भाग्यवश है, ये अच्छा नहीं है, संविधान के विरुद्ध है। अब लास्ट में ये बताता हूँ, इस आप लोगों ने, आपके पूर्वजों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, 389 मेंबर थे, देश के विभिन्न कोनों से चुन कर गए, उन्होंने संविधान के लिए 7635 टेबल या सेट ऑफ फैक्ट्स थे, जो मसौदे तैयार होके आते थे। ये मान लीजिए आप मसौदा, मैं पढ़ रहा हूँ, इसे आप विचारेंगे, हो सकता है मैं कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल जाए, आप तुरंत कहेंगे नहीं भाई उसने ये बात गलत कही थी। ऐसी वहां कानून बनाए गए, मसौदे रखे गए और 389 लोग उनको पास करते थे। जब संविधान बनके तैयार हो गया तो उसमें क्या हुआ, 284 लोगों के सिग्नेचर है, 284 लोगों के। उसके बाद 7635 टेबल ऑफ फैक्ट आए। आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ इस महान विद्वान की विद्वता को, क्योंकि ये संविधान साधारण संविधान नहीं है, आप लोगों का संविधान है, आप लोगों के अधिकारों का संविधान है, आपके जीवन का संविधान है, और इसी के साथ साथ इस भारतवर्ष का भी संविधान है, भारत को भी ऊंची और दिशाएं देने वाला संविधान है। तो 2473
2473 अमेंडमेंट हुए, यानी कि उसमें संशोधन हुए। अब उस महान विद्वान की विद्वता देखिए, 5162 जो मसौदे तैयार हुए या सेट ऑफ फैक्ट्स थे या टेबल्ड थे, एज इट इज पास हुए, एज इट इज पास हुए। ये उस महान विद्वान की विद्वता है। अब आता है लास्ट में, क्योंकि मुझे कहा गया शॉर्ट में कर दें। अंगीकरण जब संविधान बन गया तो हमारे जो पूर्वज थे या हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने अंगीकरण मीन्स एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकार कर लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाकायदा 284 लोगों ने, उसमें सब प्रतिनिधि थे, उसमें नहीं कि बसपा का ही प्रतिनिधि था, उसमें नहीं कांग्रेस का ही था, सारे देश के प्रतिनिधि थे, सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद अधिनियमित, अधिनियमित क्या होता, कानून, उन कानूनों को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और अंत में क्या करा उन्होंने, आत्मा अर्पित, यानी कि आत्मा में उतार लिया। लेकिन दुर्भाग्य है 70 साल होने के बाद भी ना तो आज तक इसे एक्सेप्ट करते लोग, ना इसे आज तक क्या कहते हैं अधिनियम इसके रूल मानते, और ना इसे आत्मा अर्पित करते। ये देश का दुर्भाग्य है, ये इस देश की जनता का दुर्भाग्य है, और ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य है। अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोग संविधान को पढ़ें, इसको मानें, इसका प्रचार करें, घर घर में लाके रखें। ये आपका पवित्र ग्रंथ है, ये आपका जीवन है, ये आपके बच्चों के अधिकारों का जीवन है, ये आपके बच्चों की मार्गदर्शक है। ऐसे संविधान को पढ़ें और इसे पढ़कर आप ये विचारें कि कौन सा संविधान या आपका ये भारतीय संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपके लिए कौन सी पार्टी आपके फेवर में जाती है, इस संविधान की रक्षा करती है, आप उसको वोट दें। मेरा आपसे निवेदन है, और आप, मैं ये नहीं कहना चाहता, आप लोग जिस पार्टी के लिए इकट्ठा हुए उसे तन मन धन से पूरी नई बस्ती में फैला दें, आप उसको सारे वोट अपनी पार्टी को दें, आपका संविधान की रक्षा हो सके, आपके अधिकारों की रक्षा हो सके, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी के लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपने मुझे बहुत अपने कीमती समय में समय दिया, और मैंने ज्यादा समय ले लिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा, जय भारत, जय संविधान।